जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ, जब से मैंने गुरु जी को पहली बार देखा उससे कहीं पहले शुरू हो गई थी। मैं बचपन में ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे किस्मत में थे जो कि बहुत भगवान को मानते थे, गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे। मेरी नानी जी बहुत पाठ करा करती थी। सुबह उठ के 4 बजे वो नहा धो के ठंडे पानी से गुरुद्वारे जाती थी और दिन भर पाठ करती थी। अपना नेम पूरा उन्होंने 5 की 5 बानियां जो होती हैं वो करनी। और मेरे जो दादाजी थे वो भी बहुत पाठ पूजा करते थे, फौज में थे पर उनको बहुत गुरु का उनकी लालसा थी कि मुझे गुरु मिले। और हमेशा वो कहते थे कि पूर्ण गुरु का होना आदमी की जिंदगी में बहुत जरूरी है, उसके बिना आदमी की गति नहीं हो सकती। तो मैं बचपन में इन दोनों की बातें सुनती रहती थी। और पर दोनों में बड़ा ही फर्क था। जो मेरी नानी जी थे, मुझे आज भी याद है एक बार कि उन्होंने कहीं जाना था और मैं उनके पास रहती होती थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तू सुखासन कर देगी गुरु ग्रंथ साहिब का। मैंने कहा हाँ जी बीजी, क्योंकि मैं उनको देखती रहती थी। तो वो गई हुई थी, मैंने सुखासन किया। अगले दिन जब उन्होंने आके सुबह पाठ करने लगे तो फिर मुझे डांटा, कहते तूने तो गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु महाराज को उल्टा सुला दिया। मतलब वो ऐसे सोचते थे, नहाए धोए बिना बिल्कुल अंदर नहीं जाते थे अपने गुरु ग्रंथ साहब के कमरे में। और मेरे दादाजी जो थे वो बिना नहाए बिना धोए जाके गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू कर देते थे, पढ़ते पढ़ते समझाते थे और नोट्स बनाते थे। मतलब उनकी सोच ऐसे थी कि गुरु ग्रंथ साहब से हमें सीख लेनी है और उसके मतलब जो सिखाया गया उस पे चलना है। जबकि नानी जी जो थे वो सोचते थे कि गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु हैं और वो फॉलो भी करते थे, पर यही सोचते थे। और उनके भी गुरु थे, तो दोनों के गुरु थे। और मुझे इस बात का बड़ा ही मन में रहता था कि मेरे को भी कहाँ से गुरु मिलेंगे, मेरे को भी गुरु धारण करने हैं। तो मुझे याद है मैं 18 साल की थी और मैंने अपने दादाजी को बोला कि मेरे को भी आप ना पूर्ण गुरु मेरे को भी ढूंढ के दो, बस मैंने गुरु धारण करना है। तो मेरी दादी जी उनको बहुत नाराज हुई, वो कहती हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल नहीं, आपने किसी से भी नाम लेके देना क्योंकि कल को इसकी शादी होगी और जहां शादी होगी अगर वो नहीं मानेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी दादी जी ने मेरा ना काम खराब कर दिया। ऐसे मुझे याद है कि बीच बीच में ना उन्होंने ये भी बोला कि मीट नहीं खाना चाहिए, तो मैंने मीट छोड़ देना, मैंने बिल्कुल ही नहीं खाना। 2-2, 3-3 साल मुंह नहीं लगाना, फिर पेरेंट्स से डांट पड़नी कि प्रोटीन्स खानी चाहिए, फिर थोड़ा बहुत, फिर बंद कर देना। सो मतलब बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर काफी रहा, दोनों का। ऐसे करते कराते शादी हो गई। जहां शादी हुई वहां भी मेरे मदर इन लॉ बहुत पाठ पूजा करते थे, पर उनकी सोच इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। वो सोचते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं और हम बाहर कोई भी गुरु धारण करना हमारे लिए बिल्कुल गलत है। तो मैं मतलब मुझे एक और एक नजरिया देखने को मिला। तो एक बार ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और मुझे आके मेरठ अपनी मदर इन लॉ के पास रहना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले बेटे थे। तो जब ये बात आई कि कैसे किया जाए, मेरे मदर इन लॉ अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, तो मैंने सजेस्ट किया कि मैं जाके रहती हूँ और क्या कर सकते हैं। सो आई केम एंड आई स्टेड विद हर। और वहां पे मेरे पास बहुत टाइम होता था, बच्चे छोटे थे, तो दिमाग में यही आने लग गया कि सारी मतलब हेल्प होती थी घर में, कोई करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर मेरा दिमाग
भगवान की तरफ फिर से मुड़ने लग गया। जब बच्चे हुए और मतलब फैमिली थी तो तब थोड़ा सा आदमी और ही रुझ जाता है अपने काम कार में। तो उस टाइम पे फिर मेरे को लगने लगा कि ये जिंदगी क्या है, हम लोग दुनिया में किस लिए आते हैं। तो ऐसी दिमाग में मेरी बातें आनी शुरू हो गई और मैं उस टाइम पे पाठ भी काफी करने लग गई थी। तो एक बार ऐसे मेरे दादाजी मेरे पास आए और हम दोनों बाहर बैठे हुए थे गार्डन में। तो मेरे को कहते हैं कि बेटा मैंने ना तेरे भाइयों के नाम सारी जमीन लगा दी है पर तेरे को मैंने कुछ नहीं दिया, तू बता तुझे क्या चाहिए। तो मेरे को मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा बापू जी आप कहते हो ना कि गुरु से बढ़ के कोई धन नहीं होता, तो आप प्लीज मेरे लिए प्रे करो कि मुझे पूर्ण गुरु मिल जाए। और आप ये भी कहते हो कि गुरु को कोई नहीं ढूंढ सकता, गुरु आपको ढूंढते हैं, तो आप प्लीज मेरे लिए प्रे करो। उनके आंखों में थोड़े से पानी आ गया और उनके मुंह पे मुस्कान थी और बंद करके उन्होंने अपनी आंखें मेरे लिए प्रे किया। संगत जी उसके कुछ दिन बाद मैं चंडीगढ़ आई और मेरे मदर 33 सेक्टर में रहते थे। उसी सेक्टर में हमारे घर से मेरा ख्याल है 100 मीटर दूर भी नहीं होगा गुरुजी थे। तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा मेरे को ना मिसेस गिल ने बताया है कि यहाँ पे गुरुजी है, मैं एक बार मिलके भी आई हूँ एक दो बार, तो बहुत पूर्ण गुरु है, तू मिलना चाहेगी। मैंने कहा हाँ जी मामा जरूर। तो शाम हुई और हम गए। संगत जी जैसे ही हम गेट पे पहुंचे हैं मुझे इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस उसके बाद मुझे कभी नहीं आई। ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर बाहर गुलाबों की खुशबू ही खुशबू है। और मुझे लगा कि इतनी अगरबत्ती कौन लगाता है, इतना गेट पे से ही परफ्यूम गिराया हुआ है, क्या चीज है ये। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मुझे लग रहा था कि देर नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। और जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरे मदर ने बस इतना ही बोला, कहते गुरुजी मेरी बेटी। तो गुरुजी मुझे कहते अच्छा तू मेरठ में आई है। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। और फिर मेरे साथ उन्होंने कुछ बातें करी और मैं उनके पास बैठ गई। संगत जी मैं वहां 2-2.5 घंटे बैठी रही होंगी, मैं उतना टाइम ही रोती रही। कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, कुछ नहीं था, पर मेरे आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे और मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं घर आ गई होती हूँ। पूरा टाइम मैं रोती रही, मुझे एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी कि लोग देख के क्या कहेंगे, कि इसको क्या तकलीफ है जो ये रोई जा रही है, पर मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। गुरुजी ने लंगर खिलवाया और उस टाइम पे संगत थोड़ी सी संगत होती थी, ख्याल 50-60-70 इतने लोग उधर बैठे हुए थे उस टाइम पे। लंगर खा के हम घर आ गए। घर आते ही गुरुजी को जो एक बार गुरुजी से मिल लेता था ना, उसको ये होता था कि मैं कल कब आए और मैं फिर गुरुजी के पास पहुंची। तो ऐसे ही मन ना बस वेट कर रहा था कि कल शाम कब आएगी और कब हम गुरुजी के पास जाएंगे। अगला दिन आया, संगत जी फिर पहुंचे और मैं गुरुजी को माथा टेक के गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ गई। संगत जी उस दिन ना मेरा दिमाग काम कर रहा था। पहले दिन तो गुरुजी पता नहीं मेरे अंदर की मैल ही धो रहे थे जो मैं रोई जा रही थी। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने सोचा, मैंने कहा ये अच्छा है, गुरुजी तो बड़े फैंसी कपड़े पहन के, मुझे आज भी याद है गुरुजी ने नीले रंग का चोला पहना हुआ था प्रिंटेड क्रेप का। और मैं कह बड़े जितने भी लोग हैं वो चंडीगढ़ की इलीट इधर बैठी हुई है ना, और गुरु जी उनसे बातें कर रहे हैं। तो गुरु तो सीधे सादे कपड़े पहनते हैं और बैठ के और सर्मन दे रहे होते हैं, पर यहाँ तो पाठ चल रहा है पर
मतलब मेरे दिमाग ऐसे चलने लगे और मैंने देखते ही गुरु जी की तरफ देखा और मेरे दिमाग में सुखमनी साहब से उत्तुक आई कि सात का निंदक महा हत्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने बोला मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन हो। और संगत जी मेरे दिमाग में मेरे सिर में इतनी जोर से गुरु जी की आवाज आती है, गुरु जी की आवाज जोर से कि तू मेरे कपड़े देखने आई है, एक कपड़े तो मैं उन्हें ली पाए है जिन्होंने मैं इतों वापस भेजना है, इन्हें कपड़िया तो अगे आके देख मैं की है। सो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं तू मेरे कपड़े देख रही है, ये कपड़े तो मैंने उनके लिए पहने हैं जिनको मैंने यहां से वापस भेजना है, इन कपड़ों से आगे आके देख मैं कौन। संगत जी मेरी आंखें एकदम से खुल गई और मैंने गुरु जी की तरफ देखा और गुरु जी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। संगत जी मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ, पर गुरु जी आपके पता नहीं कैसे दिमाग पे क्या पर्दा डाल देते थे कि आपको मिरेकल मिरेकल लगता ही नहीं था, वो मतलब पता ही नहीं आपको, आपके ऊपर कुछ ऐसी वो हो जाती थी कि आपको लगता था कि अच्छा ये हुआ है मेरे साथ, बस इतना की ध्यान रहता था और आप उस पर फोकस कर ही नहीं पाते, वो दिखाना ही नहीं चाहते थे कि मैं कौन हूं। वो बिना अपनी आइडेंटिटी बताए हम लोगों का कल्याण करना चाहते थे। ऐसे संगत जी हर रोज जितने दिन भी मैं वहां रही, मैं गुरु जी के पास अपने मदर के साथ चली जाती थी और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए और मैंने मतलब बड़ी खुशी से उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को ना गुरु मिले हैं। एंड ही गॉट अपसेट विद मी, मतलब बोलने लगे, कहते ये कोई उम्र है गुरु, यू नो लोग जो 60-70 पे जाके करते हैं तुम 30 पे कर रहे हो, ये क्या, यू नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। मतलब वो बिल्कुल एथिस्ट थे, नहीं मानते थे, तो उनको लगा कि क्या करी जा रही है। हम गुरुद्वारे भी जाते थे तो मेरे को बोलते थे तू जा मैं बाहर खड़ा हूँ, यू नो मतलब ऐसी थोड़ी सोच थी उनकी, अदरवाइज बहुत अच्छे ह्यूमन बींग थे। तो हम लोगों ने एक पार्टी पे जाना था और मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि मैं तो मिस नहीं करना चाहती गुरु जी का सत्संग, मैं पार्टी पे जाना ही नहीं चाह रही, पर मैं हिम्मत ही नहीं होती थी ना बोलने की। मैंने बड़ी यू नो हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा मैं ना अंदर जाके माथा टेक के गुरु जी को आ जाऊंगी फटाफट, एंड देन व्हील को आप कार बाहर खड़े करना और मैं जाके फटाफट माथा टेक के आ जाऊंगी। सो ही एग्रीड, कहते अच्छा ठीक है। मैं अंदर गई और संगत जी उस दिन मंडे था और बहुत उस दिन ना पता नहीं कितने लोग लाइन में खड़े थे। आगे हम जाते थे, एक आधा कोई आगे आपके होता था तो होता था, आधे तो आप सीधा माथा टेकते थे गुरु जी को और बैठ जाते थे गुरु जी के पास। पर उस दिन अच्छे मेरा ख्याल है 20-25 लोग लाइन में लगे हुए और मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई कि अब मैं क्या करूं, नो देर हो जाएगी एंड देन ही विल शाउट एट मी। तो मैं वहां खड़ी खड़े बोलने लगी, मैं गुरु जी प्लीज यू नो लालजी को भी बुला लो, लालजी वाज हिज नेम, मेरे हस्बैंड को भी बुला लो और नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। जब तक संगत जी मेरी टर्न आई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे हस्बैंड लाइन में खड़े थे। माथा टेक के मैं बैठ गई, वो भी बैठ गए और हम बैठे रहे थोड़ी देर और फिर मुझे अंदर से यही हो रहा था कि ये ना हो कि कहे कि अब तू बैठ ही गई है। सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड चले, एंड ही गॉट अप और हम गुरुजी को माथा टेक के आ गए। एंड बाहर आते ही सेज के तू बैठी रहती इतनी क्या जल्दी थी, वी कुड हैव गॉन अ लिटिल लेटर। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिये गुरुजी की कितनी कशिश थी कि जो बिल्कुल ही मानते थे उनको भी गुरुजी ने मेरे रिक्वेस्ट पे बुला लिया। ऐसे संगत जी मैं मेरठ से उतनी देर में गुरुजी दिल्ली चले गए
मैं मेरठ से दिल्ली चली जाती होती थी गुरु जी के पास. सैटरडे को आई वुड टेक अ टैक्सी एंड आई वुड गो एंड रात को मैं वापस आ जाती थी. तो ऐसा चलता गया सिलसिला. मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग लेबनन हो गई. वो पीने के शौकीन थे. जब लेबनन पोस्टिंग हुई तो मुझे एक दिन कॉल आता है कि ही इज वेरी अनवेल और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और लिवर जो है वो सिरोसिस हो गया है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब. तो संगत जी यू कैन इमेजिन कि मेरा क्या हाल हुआ होगा. आई वॉज वेरी यंग और आदमी जब यंग होता है तो उसको थोड़ी अकल भी कम ही होती है और मुझे भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी अपने हस्बैंड के साथ. तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही खत्म होने वाली है और मैं बहुत अपसेट और मेरे को फ्लाइट लेनी थी. और जो ये यूनिट थी ये आर्मी में थे तो इनके जो कुछ जवान और कुछ ऑफिसर्स जो थे वो दिल्ली में थे तो मेरी अरेंजमेंट जाने का वो ही कर रहे थे. सो मैं जब उनके पास पहुंची तो शिवरात्रि थी उस दिन मुझे याद है. और संगत जी मेरे को पता नहीं पर बचपन से ही मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी और गुरु नानक जी को बहुत मानती होती थी. मतलब मेरे को उनके साथ बड़ा प्यार उठता था मन में जब मैं गुरु नानक देव जी के बारे में सोचती थी. और मतलब मेरे लिए गुरु नानक देव जी ही मतलब भगवान थे और शिव जी को मैं की व्रत रखती होती थी. Girls from a Sikh family, but पता नहीं क्यों मैंने रखने शुरू कर दिए. और जब मैं यूनिट में पहुंची तो उन्होंने मुझे शिवरात्रि को मेरा व्रत था उन्होंने मुझे प्लेट पकड़ा दी. मुझे बोला मैम खाओ. मैंने कहा नहीं आप लोग मुझे गुरु जी के पास ले चलो. मैंने बोला मैम खाना तो खाओ फिर चलते. मैं इंसिस्ट नहीं करना चाह रही थी तो मैंने प्लेट पकड़ ली और मैंने खाना शुरू. मैंने फर्स्ट मोसल जब मुंह में डाला पहले ही ग्राई डाली तो मैंने देखा कि उसमें मीट था और मैंने प्लेट नीचे रख दी. ऐसे तुम लोगों ने ना मेरा व्रत तोड़ दिया आज. और मतलब मेरे को नहीं खाना पर चलो गुरु जी के पास ले चलो मुझे. संगत जी मैं एम्पायर स्टेट कई बार छोटे मंदिर गई थी कई बार. उस दिन मुझे पता नहीं घबराहट थी कि क्या था गुरु जी की नहीं मर्जी थी मेरे को एम्पायर स्टेट मिले ही ना. छोटा मंदिर मुझे मिला ही नहीं. मैं कितनी देर 2 घंटे हम गोल गोल घूमते रहे एंड मैं उनको जगह नहीं बता सकी. फाइनली जब हम थक हार गए तो हमें मिला गुरु जी का मंदिर. और जैसे मैं अंदर गई तो संगत सारी जा चुकी थी. उन दिनों में मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ था बड़ा मंदिर और शिवरात्रि का जो थोड़ा फंक्शन होता था वही होता था. और आई थिंक अराउंड 11:30 का टाइम होगा 11:30-12 और सारी संगत जा चुकी थी. मैंने जाके दरवाजा खटखटाया तो सुदामा बाहर आए. तो सुदामा ने मुझे बोला. मैंने कहा सुदामा मुझे गुरु जी को मिलना है. मैं गुरु जी को मिले बिना मतलब मेरे को बहुत जरूरी गुरु जी को मिलना. ही सेड बहन जी गुरु जी तो पाठ पूजा में चले गए हैं है ना मेडिटेशन करने लग गए हैं. और मैं कहा नहीं सुदामा प्लीज कैसे भी गुरु जी को बोलो कि मेरे को मिलना है उनको. तो सुदामा ने मुझे बोला कि बहन जी गुरु जी तो सब जगह है आप यहां से ही पे कर दो गुरु जी तक पहुंच जाएगी. और मैं सोचूं कि सुदामा क्या कर रहे हैं मुझे क्यों नहीं गुरु जी को मिला रहे. मेरे को तो गुरु जी को नहीं मैं मिलूंगी तो कैसे कुछ मेरा बनेगा. तो संगत जी मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि ये देखो कि मेरी क्या सोच थी और सुदामा की क्या सोच थी. उनको था कि गुरु जी हर जगह और मुझे था कि गुरु जी तो एक फिजिकल फॉर्म है. मैं उनको अपनी दुख बताऊंगी तभी मेरा दूर होगा कुछ. तो ये हमारी स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं ना एवोल्यूशन है वो कहाँ थे और मैं कहाँ थी. एनीवे मेरा बस नहीं चला. मैं वहीं पे गुरु जी को माथा टेका मैंने और रोते रोते मैंने वहां से मैं चली वापस. आई टुक अ फ्लाइट वेंट टू लेबनन.
लेबनन जाते ही मुझे डॉक्टर के साथ मेरी मीटिंग थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैडम योर हस्बैंड विल नॉट सर्वाइव. उन्होंने बोला कि वो तो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, हिज लिवर हैज पैक्ड अप कंप्लीटली और दिस इज द केस, और अगर है तो इनका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. ये 2000 की बात है, तब US में भी लिवर ट्रांसप्लांट इतना कॉमन नहीं था. वेटिंग लिस्ट 2-2, 2.5-2.5 साल की होती थी टू गेट अ लिवर ट्रांसप्लांट. और मेरे सिस्टर इन लॉ जो थे वो डॉक्टर थे US में, माय सिस्टर वाज इन UK, पर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे. और मैं बड़ी मायूस होके और वहां से मैं अपने हस्बैंड को इंग्लैंड ले आई अपने सिस्टर के पास. वहां पे हम जाके और एक डॉक्टर को मिले जो बहुत रिनोन थे, और वो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम टेस्ट करेंगे, लेट मी सी. तो हमने एडमिशन के लिए पैसे वैसे दे दिए और वेंसडे को जाना था. जैसे ही हम बाहर निकले तो माय हस्बैंड सर मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो, यू नो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, तुम ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रही हो, तुम मेरी बेइज्जती करवा रही हो इधर उधर बात करके कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. और असल में उनकी ये हाल था कि फ्रॉम समथिंग लाइक 85 kgs उनका वेट जो था 60s में आ गया था, और इतना बुरा हाल था, ही कुड वॉक स्ट्रेट. पर मतलब अंदर से इतना अपना अहम था कि मैं तो ठीक हूँ, तुम मेरे को बीमार यू नो बता रही. एनीवेज वहां से मेरे मदर जो थे वो गुरुजी के पास गए, और उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है एंड बहुत तबीयत खराब है. तो गुरुजी ने उनको कुछ बोला के ये कर देना या कुछ, और मेरे मदर ने वो किया. और मेरे हस्बैंड की जो थी ऑफिशियल फ्लाइट थी मेरी, मेरे को अपनी मतलब टिकट अलग से ली हुई थी मैंने, तो ये मेरे से एक दिन पहले मतलब एक रात पहले पहुंच रहे थे और मैं अगले दिन पहुंच रही. तो हम इंडिया वापस आए तो मेरे मदर मेरे हस्बैंड को शाम को गुरुजी के पास ले गए, मैंने अगले दिन आना था. मदर ने मुझे बताया कि वो बैठ के वहां पीछे गुरुजी के, और बहुत उल्टा सीधा उन्होंने गुरुजी को बोला कि ये क्या कर लेंगे, हिंदुस्तान में तो एक ईंट उठाओ तो गुरु मिल जाता है, मम्मी आप कर क्या रहे हो, मैं इतना थका हुआ हूँ, आपने लाके मुझे यहाँ बिठा दिया है. तो मदर से इसके लंगर भी नहीं खाया और बिल्कुल बैठे बैठे पीछे बहुत उल्टा सीधा बात करते रहे. कहते मैं बोलू कि चुप कर जा लाल जी, प्लीज चुप कर जाओ, पर नहीं, वो लगे हुए थे अपना यू नो. एक तो उस टाइम पे आई थिंक व्हेन यू आर नॉट वेल गुस्सा भी बहुत आता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो ही वॉज क्वाइट एन एंग्री पर्सन. सो मतलब वहां गुरु जी के बैठ के प्रेजेंस में और गुरु जी को उल्टा सीधा बोला जा रहा है. एनीवेज अगले दिन मैं आई तो मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी. मुझे याद है मैं गुरुजी के लेफ्ट साइड पर बैठ के बिल्कुल पास में मैं बैठी हुई थी और मैं रोई जा रही थी, और मेरी माता मुझे प्रॉम्प्ट कर रही है कि तू बोल गुरुजी को आगे होके बोल. और मेरी में हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं गुरुजी को कुछ बोलूं. तो फाइनली मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके और मैंने बोला गुरुजी लाल जी को ठीक कर दो पास होके. गुरु जी ने संगत जी मुझे जोर से बोला कि तुम नास्तिक है, नए दिल्ली की कर सकता है मैं. और मैं घबरा के और पीछे होकर बैठ के और मैंने रोना शुरू कर दिया. और मेरे मदर ने आगे से बोला कहते गुरु जी वो नास्तिक है, एक थोड़ी पग है तुम मानती है. पर संगत जी गुरु जी का मन इतना नरम और इतना दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेते थे. उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं कहते इधर आ, और मेरे को बुला के और मुझे कुछ कुछ बोला, कहते एक्स्ट्रा करी एक्स्ट्रा करी कि चने काले चने जाके दरिया में डाल के आ. अरे संदीप जी मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो भी गुरु जी बोलते थे ना कि ये ऐसे कर देना वैसे कर देना, ये
लोटा ब्लेस कर दिया या कुछ कर दिया, ये सिर्फ हमारे हमारे जो मन है ना, हम शांत नहीं हो सकते जब तक हमें ये ना लगे कि हमने कुछ करा है और यहाँ हमारा कुछ हो गया। तो वो सिर्फ हमारे लिए किया जाता था, गुरु जी की तो नजर से ही आदमी ब्लेस हो जाता था, किसी चीज की जरूरत थोड़ी थी कि हमें ये करने की जरूरत है वो करने की जरूरत है। वो तो सिर्फ जिसको कहते ना हमको एक चक्रव्यूह में डाल देते थे कि देखो इसके करके हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। जब भी कोई बोलता था गुरु जी फलाने को ठीक कर दो या मुझे ठीक कर दो, आगे से जवाब देते थे मैं कोई डॉक्टर, यू नो ऐसे बोलते होते थे। पर उनके इतने बोलने से ही सब ठीक हो जाते। तो जो मुझे बताया गया मैंने भी कर दिया। और संगत जी मेरे हस्बैंड के जो प्रोटीन्स होती है, जब लिवर आपका अंडर स्ट्रेस होता है तो वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं, और उससे पता लगता है कि आपके लिवर का क्या हाल है। वो आपकी मेरा ख्याल है 30-40s में होनी चाहिए, और मेरे हस्बैंड की 300 and something होती थी, मतलब अनबिलीवेबल उसके यू नो रिकॉर्डिंग होती थी। और वो आस्ते आस्ते ठीक होनी शुरू हो गई, और अगली बार जब टेस्ट कराई तो 100 कुछ में आ गई और कम होती गई। और समझ जी तब हम दिल्ली में ही थे तो मैं गुरु जी के पास हर रोज चली जाती थी, हर रोज जाके। और मतलब मुझे इतना ज्यादा मेरे अंदर उतावलापन और मेरे अंदर इतनी ज्यादा एंग्जाइटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे हमेशा ऐसे लगता था जैसे मुझे पैल्पिटेशन हो रही है। और जब मैं गुरु जी के पास बैठती थी तो मेरा वो सारा जो पूरे दिन का जो मेरे अंदर वो चल रहा होता था वो सब खत्म हो जाता था। और आस्ते आस्ते वो मेरे अंदर से बिल्कुल डर जो था ना वो निकल गया, और मैं शांत होना शुरू हो गई। समझिए हम कितना भी अपने आप को सोचे ना कि हम बड़े अच्छे हैं, हम दूसरों की बुराई नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, पर अगर हम एक्चुअली अवेयर हो तो हम ये सारा कुछ करते हैं। हम मुंह पे किसी की बुराई ना करें, पर अगर हम ये भी सोचते हैं ना कि इसने क्या पहना है, ये इसको अकल नहीं है, हम ये सोच भी रहे तो वो बुराई है ना। तो वो तो हमको पता भी नहीं होता कि हम कब कर जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो मुझे रियलाइजेशन बड़ी बाद में हुई, मुझे लगता था मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और क्योंकि बचपन से बोला गया था झूठ नहीं बोलना, तो विद अवेयरनेस मैं झूठ नहीं बोलती थी या मे बी बहुत कम। बट विदाउट अवेयरनेस हम जो झूठ बोल जाते हैं ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम किसी को यू नो कोई हमें पूछता है तुम कैसे हो और हमारा मन उदास है, हम बोलते नहीं आई एम फाइन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये भी तो एक झूठ है। अगर हम कुछ नहीं करना चाह रहे और हम कर रहे तो वो भी तो एक झूठ है। हम कोई बड़ा हमें कुछ बोलता है कि ये करो और हम नहीं चाहते करना, पर हम अपनी इमेज बनाने के लिए हम वो करते हैं कि अगला सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, वो भी एक झूठ है। तो यू ये जो अंदर के जितने भी हमारे हेर फेर है ना, जो हमें खुद भी नहीं समझ के हमारे अंदर है, ये सब गुरु जी के प्रेजेंस में दूर होने शुरू हो जाते हैं। और ये जब दूर होते हैं ना तो आप शांत हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये होना शुरू किया कि मैं अपने गुरु के प्रेजेंस में मेरे अंदर से सफाई होनी शुरू हो गई। मुझे यहां तक होना शुरू हो गया कि दूसरे के दुख दर्द ना मुझे बहुत ऐसे लगने लग गया जैसे मेरे हैं, और मुझे उनकी बातें उनका दुख सुन के मुझे रोना आ जाता था कि ये कितना दुखी है, इसको कैसे होके ये ठीक हो जाए। तो ये मतलब गुरु जी की मेहर से ये कुछ होना शुरू हो गया। तो ऐसे संगत जी मैं बिल्कुल शांत हो गई। मुझे डर लगना बंद हो गया कि क्या होगा, यू नो नहीं तो ये होता था क्या होगा मेरा, इफ समथिंग हैपेंस टू माय हस्बैंड मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब दिमाग से निकलना शुरू हो गया। ऐसे एक बार मैं गुरु जी के पास से रात को गई, और हम टेंट्स में थे वहां पे दिल्ली में, वो जी यूनिट थी वो टेंट्स में थी। तो ऐसी रात को मैं सो रही थी
और संगत जी मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने टेंट का वो फ्लैप सा उठाया है और हवा सी अंदर आई है एंड मैं सो रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि हवा अंदर आई है और मैं डर के उठ के बैठ गई और आंखें मेरी बंद हैं और मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ और पाठ मेरे अंदर से अपने आप चलना शुरू हो जाता था क्योंकि जब आप कुछ बार बार करते हो तो आई थिंक वो हो जाता है और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। और संगत जी जैसे पुराने अगर आपने कैमरे देखे होंगे तो उनमें एक अपर्चर सा होता था, एक छेक सा होता था जो खुल जाता था, तो ऐसे ही मेरे ये आईब्रोज के बीच में राइट इन द सेंटर ऐसे कुछ खुला और मैं अंदर क्या देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हुए हैं लाल चोले में। गुरुजी क्लियरली बैठे मुझे दिख रहे हैं और मुझे कह रहे हैं उठ जा, हूं सुती पई है, मैं उन्हें ठीक करने आया है। एंड माय हस्बैंड इज स्लीपिंग राइट नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल सो रहे हैं आराम से। संगत जी ऐसे ही मैं गुरु जी को देखती रही और मैं पाठ करती रही और मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे कि कॉरपोरेशन थिएटर में होती है। और कुछ देर के बाद वो स्मेल्स बंद हो गई और वो अपर्चर भी बंद हो गया और गुरुजी चले गए और मुझे ऐसे लगा जैसे कि हवा सी बाहर गई, से फ्लैप हिला हवा सी निकल के चली गई। संगत जी अगले दिन मैं जब गुरुजी के पास पहुंचती, अब सुबह हुई और मुझे एक याद है कि मेरे साथ ये हुआ है, पर मैं उसको मतलब नहीं, तो आदमी कितना एक्साइटेड होता है कि क्या हुआ मेरे साथ, ये कैसे, कुछ नहीं, मेरे लिए एक नॉर्मल सा था कि मेरे साथ कुछ हुआ है, गुरुजी आए थे और मतलब मेरे को गुरुजी ने ऐसे मेरे ऊपर एक पर्दा सा डाल दिया उस चीज का। मैं गुरुजी के पास जाती हूँ शाम को और गुरुजी मेरे को देख के कहते हैं फिर करता ना कल्याण, करता ना ठीक अनु। और मैंने गुरुजी को देखा और मैंने कहा हां जी गुरुजी, और मेरे मुंह से संगत जी थैंक यू भी नहीं निकला। मतलब हम इतने नाशुक्र हैं कि मैंने ये भी नहीं बोला कि गुरुजी थैंक यू। फिर मैंने गुरुजी के नेल्स की तरफ देखा, उनके नेल्स जो थे हाथों के नीले थे। संगत जी उस वक्त मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे गुरु ने मेरी बलाएं अपने ऊपर ली हैं, मेरे दुख दर्द अपने ऊपर ले ली और वो पल मेरे लिए बहुत भारी था। मैंने दिल में सोचा कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से आपको आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैंने गलत किया, मैंने अपने गुरु को दुख दिया। संगत जी मेरे हस्बैंड ठीक होने शुरू हो गए पर उन्होंने पीना नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर पीना शुरू कर दिया। मैं जब भी गुरुजी के पास आती थी गुरुजी मेरे को पूछते थे कि हाल है मानदा, एंड आई वुड से गुरुजी एंड ही वुड से पी रहे हैं, एंड आई वुड से हां जी गुरुजी, एंड ही वुड से पी दे। ये हमारे स्टैंडर्ड डायलॉग थे हर रोज का मेरा गुरुजी का, जब भी मैं गुरुजी को मिलती थी। फिर हम वापस चले गए मेरठ यू नो, और जब भी मैंने आना गुरुजी ने मुझे यही पूछना और मैंने खड़े होकर गुरुजी के सामने हमेशा से यही बात कही अपने मन के अंदर कि गुरुजी लालजी को मेरा मीत बना दो। और गुरुजी मैं मन में बोलती थी माथा टेकने से पहले खड़े होके, और गुरुजी जैसे मैं माथा टेकती थी और ऊपर देखती थी मेरे को कहते थे मान मित नहीं, कि मान मित मीत नहीं है तेरा। और मेरे को लगता था गुरुजी ऐसे मुझे क्यों बोलते हो, गुरुजी ये मत बोला करो मुझे, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को कुछ बोलूं। संगत जी हर हर एक का अपने गुरु के साथ ना अलग ही रिश्ता होता है, वो बड़ा स्पेशल होता है, पर हमें ये रियलाइजेशन नहीं होती। मेरे को याद है मैं ना दीपिंदर आंटी को देखती होती थी, वो गुरुजी के ना बिल्कुल पास बैठ के गुरुजी के हाथ को पकड़ पकड़ के कभी उनको यू नो ऐसे बुला बुला के उनके आगे होके और उनसे बातें करती थी और हंस हंस के, और गुरुजी भी हंस हंस के बातें करते थे उनके साथ। और मुझे लगता था यार कितना ये कितने अच्छे से आंटी गुरुजी के साथ बातें कर लेती है, पर मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, मेरे को तो जो गुरुजी पूछते थे मैं मुश्किल से उस चीज का जवाब दे पाती थी। तो पर
हम सब का अपना अपना रिश्ता होता है और ये हर एक का रिश्ता बड़ा स्पेशल होता है अपने गुरु के साथ। और ऐसे ही टाइम निकलता गया, फिर मेरे कुछ कॉलीग्स थे, मैंने उनको भी बताया गुरुजी के बारे में, और यू नो गुरुजी को मिलने की उनमें भी बहुत इच्छा जाग गई। तो एक बार मैं ऐसे ही दो तीन हम व्हीकल्स लेके और गुरुजी के पास पहुंचे। तो जैसे ही संगत जी मैं पहुंची तो गुरुजी मैं कहते कि तू ट्रक पर के ले आई या जन्नी जैसा इन्हें सारिया फड़ के ले आई, यू नो। हाँ जी गुरुजी। एंड संगत जी उनमें से एक लड़की ऐसी थी कि जिसके हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, और हस्बैंड बहुत उसको मारते पीटते थे, मतलब यहाँ तक कि पुलिस रिपोर्ट्स भी हो जाती थी। तो मैं हमेशा उसको बोलती थी कि why are you sticking around, मतलब आप क्यों नहीं चले जाते अपने पेरेंट्स के पास, हर रोज मार कुटाई कोई अच्छी बात थोड़ी है, यू नो, मतलब यू ऑल्सो बिकम एग्रेसिव, वो भी, तो क्या फायदा इस चीज का। तो पर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कर पाए। तो जब वो गुरुजी के पास पहुंची तो मैंने उसको बोल के लाई थी, मैंने कहा तू गुरुजी को बोल देना कि तेरे को, मतलब टेल हिम योर प्रॉब्लम्स। जैसे ही हम पहुंचे तो उसको गुरुजी ने, उसने माथा टेका गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उसको बोला मंग की मंग दी है। संगत जी उसने तो आंखें बंद कर ली और चुप से वहां बैठ गई। जब लंगर का टाइम आया मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने क्यों नहीं बोला, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, है ना, तुमको गुरुजी पूछ रहे हो तुम जवाब नहीं दे। वो मुझे बोलती मुझे गुरुजी दिखे ही नहीं, मुझे तो वहां पे साई बाबा बैठे दिख रहे थे, वो बहुत साई बाबा को मानती थी। तो गुरुजी आपको उस रूप में दर्शन देते थे जिसमें आपके अंदर जिसकी आस्था थी। ऐसे संगत जी जितने भी वहां पे लड़कियां ये लेडीज गई, इन्होंने सबने कुछ कुछ अपने मन में बोला, किसी ने गुरुजी को बोला, और हर एक की गुरुजी ने, मतलब जो उसने मांगा उसको मिला। संगत जी मेरे मदर जो थे उनको मालूम था कि गुरुजी को ना मक्की की रोटी और साग बहुत पसंद है। तो एक बार ऐसे ही मम्मी मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरी मेड जो है बहुत अच्छी यू नो रोटियां बनाती है, तो आप रोटियां बनवा के रखना और मैं साग लेके और फिर हम यू नो वी टेक इट टू गुरुजी, गुरुजी को बहुत पसंद है। तो संगत जी दो दो ढाई किलो एक डब्बा होगा साग का, तब एम्पायर स्टेट में भी बहुत ज्यादा संगत नहीं आती थी, मतलब 100-125 ऐसे लोग होते थे, इससे भी कम कई बार। तो हम रोटियां लेके और वो साग लेके वहां पहुंचे। उस दिन वहां पे फिर अगेन बहुत संगत थी। तो माय मदर केप्ट वॉरिंग कि अब क्या होगा, ये तो पूरी नहीं पड़ने वाली, और उन्होंने चुप से किचन में रखवा दी। तो गुरु जी कहते अच्छा भाई साग ते मक्की दिया रोटियां आई हैं पंजाब तो ओ खुआओ संगत। और आपको पता है गुरुजी के वहां पे जब लंगर सर्व होता था तो ऐसे नहीं होता था कि एक एक आधी आधी रोटी किसी को मिल रही है, अच्छे से सबको, और हमें लगे कि खत्म हो जाएगा साग और तो पूरा नहीं आना ना रोटियां, पर संगत जी सबको पूरी आई। तो गुरुजी जी आप छोटी सी चीज अगर करते थे ना तो उसको भी इतना वो प्यार और मान से वो आप से वो एक्सेप्ट करते थे। वैसे तो हम कौन है करने वाले, पर वो आपकी जो एक इंटेंशन ही थी ना उसी को इतना मान और इतना वो देते थे। ऐसे समझी मैं आपको तीन इंसिडेंट्स बताती हूँ जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस किया, या आप कह सकते हैं कि आपको सुन के हैरानी लगेगी या मतलब लगेगा अच्छा ऐसे हुआ। तो एक बार ना एक लेडी थी 60-70 साल के बीच की होंगी, 65 आई थिंक। तो गुरुजी के पास पहली बार आई और मतलब वो आके और गुरुजी के पास आगे होके बैठी, और आई थिंक लंगर खत्म हो चुका था और लोग मतलब खा के कुछ हाथ धो रहे थे, कुछ आके बैठ गए थे, ऐसे था।
तो वो लेडी ने गुरु जी के पास आके पैकेट रखा गुरु जी के पाँव में और आगे होके कुछ बोलना शुरू किया। तो गुरु जी को इतना गुस्सा आया, गुरु जी ने पैकेट को ना जोर से लात मारी और बोलते तू मैनू पैसे देना ही है, जा चली जा। ऐसे करके गुरु जी ने उनको डांटा और वो उठ के चली गई, है ना। और संगत जी वहां पे जितने भी गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे ना, सब में से अमृत बहना शुरू हो गया। ऐसे था जैसे कोई ऊपर से, छत से आपके ऊपर बरसात कर रहा है, इतना अमृत हम लोगों पे गिरना शुरू हो गया। सारी संगत भाग भाग के और अमृत लेना लेने लग गई। मैं आके खान मतलब लंगर करके और मैं आके बैठ गई थी गुरु जी के पास। तो मेरे को क्लियरली ये पूरे डायलॉग सुन गए उस वक्त, जब बिल्कुल पास बैठी हुई थी मैं। और सारी संगत ऐसे जब उठ उठ के जाने लगी तो मैं उठने लगी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। एंड देन आई रियलाइज ऐसा ये आ तो यहीं से रहा है ना, इनके चरणों से आ रहा है, ये दिख यहां से रहा है। मैंने जाके गुरु जी के पाँव में माथा टेक दिया और फिर मैंने भी जाके टेस्ट किया। संगत जी इतना अमेजिंग टेस्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। स्लाइटली स्वीट बट ठंडा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट। ऐसे ही संगत जी एक बार मुझे याद है कि मैं गुरु जी के सिंहासन के पीछे खड़ी हो गई और मुझे इतनी वाइब्रेशन फील हुई, इतनी वाइब्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा था धरती हिल रही है। आई एम यू नो पूरी वाइब्रेशन मेरी बॉडी में जा रही है। गुरुजी ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा, मेरे को कहते अग्गे आ जाओ, उठे ना खड़ी हो। मुझे पता था कि मैं उस वाइब्रेशन को लेने के काबिलियत ही नहीं रखती। उसने मुझे बोला तू अग्गे आ जा। ऐसी संगत जी एक बार मुझे याद है कि एक गुरुजी के पास ना मिठाई ले आया करते थे लोग, जब भी कुछ भी होता था अच्छा फैमिली में या कोई शगन की बात होती थी तो मिठाई ले आते थे या वैसे भी ले आते थे। तो ऐसे कोई छेना मुर्गी के दो डब्बे लाए और संगत उन दिनों काफी होनी शुरू हो गई थी। तो और गुरुजी की आदत थी कि गुरुजी जब भी आपको प्रसाद देते थे ना तो भर भर के देते थे। तब उनके छोटे से इतने सुंदर से हाथ थे, पर जब वो एक हाथ से आपको प्रसाद देते थे आपके दोनों हाथों में प्रसाद पूरा नहीं आता था। मतलब हमें अपने हाथों को मुंह लगा के ऐसे और खाना पड़ता था कि गिरे ना। तो उसी उससे गुरुजी ने छेने मुर्गी देनी शुरू कर दी प्रसाद में और हमने सोचा कि ये तो नहीं पूरी पड़ती आज। और गुरु जी के पास कोई खड़ी हुई थी लेडी, तो गुरु जी क्या करें, वो डब्बे का ढक्कन लगाएं, डब्बे को हिलाएं और डब्बा फिर भर जाए, फिर गुरु जी सबको देना शुरू कर दें। तो वो आगे होके देखने लगी तो गुरु जी कहें की देखती है, पर हो जा। तो ऐसे एक बार मैं और मेरे हस्बैंड गुरु जी के पास गए और शाम का वक्त था, गुरुजी सैर करके आए थे और आके वो ना साइड बोर्ड जो एम्पायर स्टेट अगर आप गए हैं तो वहाँ एक साइड बोर्ड पड़ा हुआ है किचन के वॉल के साथ लिविंग रूम में, तो गुरुजी वहाँ आके बैठ जाते थे कई बारी। तो उस दिन गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए थे और जैसे ही हमने माथा टेका और मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, तो तब तक मेरा ख्याल है मेरे हस्बैंड को बता बोलते तो नहीं थे पर अंदर से पता था गुरु जी क्या है। तो गुरु जी ने जैसे उन्होंने माथा टेका तो गुरु जी ने अपना हाथ हवा में किया और प्रसाद दाके और मेरे हस्बैंड के हाथ में रख दिया और मेरे हस्बैंड ने उठाया और मुंह में डाल लिया। सिंह जी मेरे हस्बैंड ने पीना बिल्कुल बंद नहीं किया, इतना पिया कि मैं बता नहीं सकती। पर गुरु जी की ऐसी मेहर थी कि वो बीमार होकर हॉस्पिटल जरूर चले जाते थे पर वहां से ठीक होके फिर वापस आ जाते थे और कुछ नहीं होता था। और मेरे को गुरुजी हमेशा ही बोलते थे पी रहे हैं, मैं कहती थी हां जी पीन दे। और मैं दिल में सोचती थी कि गुरुजी थे, पर मैं बोल कुछ नहीं पाती थी कि मैं क्या बोलूं, यू नो। तो ऐसे ही संगत जी एक बार मैंने गुरुजी को
गुरु जी, ये तब की बात है जब मैं गुरु जी को लास्ट मिलती हूँ बिफोर गुरु जी लीव्स हिज चोला। वो सैटरडे उस मतलब गुरु जी वेंसडे को अपना छोड़ते हैं शरीर, वेंसडे या थर्सडे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट मैं उनको सैटरडे को मिलती हूँ। और संगत जी, उस दिन मैं गुरु जी को जब मिली हूँ तो मैं पीछे जाके बैठ के, पता नहीं, मेरा मन बड़ा ही उदास हुआ उस दिन और मैं रोने लग गई। और मेरा आगे बैठने को मन ही नहीं किया। मेरा नॉर्मली दिल होता था कि मैं बिल्कुल आगे जाके बैठूं। उस दिन मैं पीछे बैठ गई, बिल्कुल पीछे जहां पे म्यूजिक लगा होता था, वहां बिल्कुल गुरु जी के कमरे के बाहर वहां बैठ के, और मैं रोती रही। और जब मैंने माथा टेका गुरु जी को, तो गुरु जी का वही मेरे से वो था कि की हाल ईमानदा, ऐसे ठीक है गुरु जी, पी रहे हैं? मैं क्या हां जी गुरु जी। उस दिन गुरु जी, पता नहीं मुझे कहाँ हिम्मत आई और मैंने कहा गुरु जी ते मैं, बस मैंने इतना ही बोला। जब उन्होंने बोला पीन दे, मैंने कहते गुरु जी मैं, आगे से गुरु जी मैंने कह दे तू मेरे को बैठ जा। तो मैंने सोचा गुरु जी मैंने एक ही कह रहे हैं, है ना, मेरे को बैठ जा। गुरु जी ने जी हर एक को, जैसे जब लंगर खत्म होता था तो संगत को भेजना शुरू कर देते थे, ऐसे संगत की तरफ देखते थे और हाथ से बोलते थे कि चलो, और हम सब नजरें बचाते रहते थे उस टाइम कि ना ही बोले तो अच्छा है, हमको जितनी देर हम बैठ सकते हैं बैठ जाए वहां पे। पर जब गुरु जी ने भेजना होता था, आप समहाउ, आपको पता, मतलब बोल ही देते थे कि जाओ। उस दिन गुरु जी ने मुझे नहीं बोला जा, जबकि गुरु जी को पता था कि मैं मेरठ से आती थी, अकेली आती थी टैक्सी पे, तो गुरु जी ने मुझे नहीं भेजा। और दूसरी बार चाय सर्व हो गई, बिल्कुल थोड़ी सी संगत बची थी, मेरा ख्याल है 5-6 लोग बचे होंगे। और गुरु जी गए अपने कमरे में और जाके और चेंज करके आए अपना चोला और आके मेरे बिल्कुल पास नीचे बैठ गए। और मुझे अभी भी याद है कि अपनी टांगे सीधी करके और ऐसे ऐसे हिलाने लग गए पाँव। और उस दिन थोड़े से गमगीन थे, चुप थे, और पर हमको किसी को कुछ समझ नहीं आई। हमको पता है गुरु जी बोलते रहते थे कि मैं हूँ पंजाब चले जाने हैं, मैं तो चले जाना। हमें किसी को ये नहीं पता था कि गुरु जी असल में हमको छोड़ के और अपना चोला त्याग देंगे। दैट वॉज माई लास्ट मीटिंग इन हिज फिजिकल फॉर्म। ऐसी संगत जी, जिन्होंने हमने गुरु जी को देखा है ना, हमको आदत सी पड़ गई थी गुरु जी को देखने की। जो नई संगत है वो इस मामले में इतनी ब्लेस्ड है कि उन्होंने गुरु जी का दिव्य रूप ही देखा हुआ है, वो रूप के जो मतलब यूनिवर्सल है, जो असलियत है उनकी। और हमने तो उनको फिजिकल फॉर्म में देखा था, तो हम वो फिजिकल फॉर्म के लिए हमेशा ही हमें लगा रहता था कि गुरु जी को कैसे हम अब देख नहीं पाएंगे। तो मुझे अभी भी याद है जब मुझे पता लगा कि गुरु जी ने अपना चोला त्याग दिया है, हम पहुंचे और गुरु जी को बड़े मंदिर में उनके शरीर को रखा हुआ था। संगत जी, सारी संगत रो रही थी। पता नहीं उस दिन मेरे ऊपर गुरु जी ने क्या किया कि मुझे एक आंसू नहीं आया, और मैं बैठी देखी जाऊं और गुरु जी की तरफ बोलूं कि तुसी तो कितने नहीं गए, तुस तो इतने ही हो, तुसी जा ही नहीं सकते सानू छड़ के। तो मेरे को पता नहीं क्यों उस दिन जरा ही रोना नहीं आया, और सारा मतलब कुछ करके देख के हम आ गए। बसंत जी, कई बार ना अब इतना ज्यादा मन उदास हो जाता है गुरु जी के बिना। पता है कि गुरु जी सब जगह है। कई बार ऐसे हुआ है कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, पर फिर भी समाव कई बार लगता है कि गुरु जी तुसी क्यों चले गए सानू छड़ के नहीं जल्द। ऐसे संगत जी, एक बार ना मेरे को याद है उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, मैं बड़े मंदिर गई। आपको पता है कि गुरु जी हमें ये बोलते होते थे कि इतनी भीड़ होगी कि तुम्हारे मेरे
तुमको मेरे दर्शन भी नहीं होंगे। और हम सोचते थे गुरु जी की कहते हैं, यू नो थोड़ी सी तो संगत होती है, हम आते हैं एक आध मिनट लगता है और गुरु जी को माथा टेक लेते हैं। गुरु जी क्या बोलते हैं? संगत जी हमें क्या पता था कि सारी दुनिया ही गुरु जी को मानने लग जाएगी और इतनी संगत हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं पा सकते थे कि इतनी संगत हो जाए। तो जब मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन गई तो वहां पे इतनी भीड़, इतनी भीड़। पहले तो हमें वहां पे बिठा दिया, कितनी देर हम बैठे रहे। उसके बाद हमारी टर्न आई। जब टर्न आई तो हम जब गुरु जी के पास जाते थे आराम से बैठ के और सत्संग सुनते थे और बैठे रहते थे। उस दिन अब संगति इतनी हो गई है कि सेवादार भी क्या करें। तो उन्होंने हमें बोला जल्दी करो जल्दी करो, मतलब ऐसे हाथ दे के आगे से और माथा भी नहीं टेकने दिया गुरु जी के को। और मेरे को इतना मन में उदासी सी आई ना, और मैंने कहा गुरु जी हूं मैं थोड़े को नहीं आ सकती, हूं तुम मेरे को आओ, मैं कि मैं थोड़े को आवा। मैंने तो इतने किसी ने खड़े होके तो मैं गल भी नहीं करन दिती। मेरे मन में ये बात आई कि मैंने तो आपसे बात भी नहीं कर पाई, मेरे को कोई खड़ा भी नहीं होने दे रहा आपके पास, तो मैं तो आपके पास अब आ ही नहीं सकती, अब आपको ही मेरे पास आना पड़ेगा। संगत जी ये बोल के मेरे आंखों में आंसू से आ गए और मैं बाहर निकली। जैसे मैं बाहर निकली एक सेवादार मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं आंटी आपने गुरु जी के पास बैठना, आओ मैं आपको बिठाऊं। उन्होंने जाके और बिल्कुल गुरु जी के पास जो एक कॉर्डन ऑफ किया होता है ना, वहां वो खोल के वो जो रोप थी और मेरे को वहां बिठा दिया और मैं वहां बैठी रही। और मैंने कहा महाराज मैंने माफ करियो कि मैं इतने छोटी छोटी चीजें भी आपसे मांगने लग गई हूँ कि मेरे को आप मतलब मैं को नहीं बोलना चाहिए था पर मेरे से नहीं रहा। ऐसे संगत जी एक बार क्या हुआ कि मैंने कार बुक करी थी और वो मेरे को कहीं हॉलीडे पे जाना था तो मैंने गाड़ी ना किसी के थ्रू दिल्ली में बुक कर दी। कोई एजेंसी थी कि मेरे को पेपर वर्क नहीं करवाना पड़ेगा, जब तक मैं वापस आऊंगी हॉलीडे से तो मेरा पेपर वर्क हो जाएगा और कार मिल जाएगी। उन्होंने बोला मैम 2 महीने में आपको गाड़ी हम ले देंगे और आप हमको सारे पेपर्स करके दे दो। तो मैंने दे दिए, पैसे भी उनको दे दिए सारे। और संगत जी उसके बाद मैं वापस भी आ गई, कोई खबर नहीं कुछ, मतलब बेसिकली वो फ्रॉड थे। और मैंने जाके फिर बहुत उनके पीछे भी मतलब घूमते रहे हम लोग, पर कुछ बात बनी नहीं। एंड देन फाइनली मैंने एक मतलब सीनियर ऑफिशियल्स थे जो पुलिस में द हाईएस्ट ऑफिशियल्स, उनको भी कांटेक्ट करके उनके थ्रू भी नीचे SHO को बोल दिया। SHO ने मतलब कुछ एक्शन लिया, कुछ दिखाने के लिए लिया, कुछ नहीं लिया, मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ, पर कुछ हो नहीं रहा था। और those people were having fun, वो कई लोगों के ऐसे पैसे मार चुके थे। तो फाइनली मैंने ये सोचा, FIR भी करवा दी, सब कुछ हो गया, कुछ उसका बात बनी नहीं। तो फाइनली मैंने ना सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, पैसे ही है ना, कोई नहीं। और ये बच्चे जो मेरे बच्चे थे और मेरे सन इन लॉ, ये मेरे को सब छेड़ने लग जाते थे जब भी मिलते थे। अच्छा फिर मम्मा मिल गए आपके पैसे, यू नो यू आर मतलब वो ये बोलते थे कि मम्मा यू आर सो इग्नोरेंट, आप बिना सोचे कुछ भी कर देते हो, मतलब ये मजाक चल रहा था घर में मेरे साथ। और मैं हंस के उसको सह लेती थी। पर उस दिन जब मेरे सन इन लॉ ने बोला तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा बुरा सा लगा। और मैंने गुरुजी की स्वरूप मेरे कमरे में लगा हुआ है, मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने कहा कि गुरुजी देखो ये बच्चे भी हूं मेरे ते मजाक करने लगते हैं, है ना, बिवाय भी मजाक उड़ाते हैं कि मैंने अकल नहीं है। संगत जी अगले दिन सैटरडे था, सैटरडे को मुझे कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि मैडम आप मंडे को दिल्ली आ जाओ और आप आके कोर्ट से अपने पैसे ले जाओ। किसी ने उनके ऊपर केस किया और उस केस में मेरा नाम इंक्लूड करवा दिया और वो केस मतलब वो आदमी को जेल हुई और उसको बेल नहीं मिल रही थी जब तक वो हमको पैसे नहीं मोड़, मतलब सिर्फ 3 लोगों, कईयों के साथ उसने फ्रॉड किया हुआ था पर हम 3 को वो उस दिन वो चेक मिल गया। मुझे मंडे को मैं गई, मुझे चेक मिल गया। तो संगत जी ये है गुरु जी,
कि आपके मुंह से जरा सी निकली आपकी वो, आपको मुझे बेइज्जती महसूस हो रही थी, उन्होंने मेरी बेइज्जती भी नहीं होने दी कि अच्छा इसको बुरा लग रहा है, चल कोई नहीं, है ना। तो गुरु जी इज आवर फादर, वो एक बाप की तरह आपके ऊपर अपना हाथ सिर पे रख देते, फिर कोई फिक्र की बात नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ, देखें गुरुजी यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, ठीक है, हमारे ठीक है, वो हमारे दुख दर्द दूर कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे में इतनी काबिलियत ही नहीं कि हम सह लें अपने जो कर्म है, हम वो भी नहीं सहने के लिए, चाहे हमने खुद क्रिएट किए हम वो सह नहीं पा सकते, हमारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो वो उनको दूर कर देते हैं। बट बेसिकली तो वो हमारे को स्पिरिचुअली एलिवेट करने आए हुए हैं, हमको एक सही रास्ते पर ले जाने आए हैं ताकि हम उनकी ज्योति ज्योत में समा सके। संगत जी, गुरु जी की मेहर आप सब पे है और हमेशा रहेगी। अगर आप गुरु जी के साथ जुड़ गए हो ना, तो इसका यह मतलब है कि उनकी मेहर आप पे है और वो आपका चाहे कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उनकी मेहर के अंदर हो रहा है। और हम दुनियावी जीव हैं, हम नहीं सह पाते, हम उनको बोलते हैं कि हम हमारी मुश्किलें दूर कर दो, वो कर भी देते, पर गुरु जी को सब कुछ पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जानी जाने और हमारा भला उनसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता, वो तो एक प्यार की मूर्त है, हर एक के ऊपर अपनी प्यार की वर्षा बरसाते रहते हैं और उनकी खुशी हमें खुश देखने मिली। तो संगत जी गुरु जी से हमेशा जुड़े रहे और ये प्रे करें कि गुरु जी आप हमें जोड़े रखो, हम तो जुड़ भी नहीं सकते, जब तक वो न चाहे हम उनके साथ जुड़ नहीं सकते, सब कुछ उनकी रजा में होता है और उनकी मेहर से होता है। तो परमात्मा है, अपना हमेशा अपना फेथ गुरु जी में रखिए, वो हमेशा आपको ब्लेस करेंगे, हमेशा हमेशा ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने ये सत्संग सुना, आपके गुरु जी की हमेशा मेहर रहे, हमेशा मेहर रहे हर एक पे। थैंक यू।